और एक यहाँ से और रास्ता कट रहा है, तो सलमान भाई बताएंगे कि क्योंकि सलमान भाई इन सारे चीजों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। सलमान भाई अब कहाँ जाएं हम लोग और क्या क्या हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे? अभी आगे चलना पड़ेगा और आगे भी कुछ आपको मैं दिखाऊंगा आप तरफ। और अरसद 52 बीघा में जो राजवाड़ा है और राजा महाराजा का ये किला है और यहाँ देख सकते हैं आप। और हमारे साथ अरसद है। अरसद भाई क्या क्या लग रहा है तुमको? फ्रेंड्स, जैसा कि ये राजा का किला था, तो राजा का किला छोटा मोटा तो होता नहीं है, तो इसमें हम लोग जब प्लेस इस जगह पे आ गए हैं तो ये बहुत ही मतलब यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिला जो एक वीडियो में हमको नहीं लग रहा है कि पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर पाए हम लोग, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग दिखाएंगे। यहाँ बहुत चीज़ें हम लोग माझी में हम रहे हुए हैं, लेकिन माझी यहाँ पे इसकी मिस्ट्री हम कहानियाँ सुनते थे, इसलिए यहाँ पे आके अचंभित हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सच में कुछ मतलब मिस्टीरियस चीज़ें हैं। यहाँ बहुत सारी टनल्स कहीं कहीं से गुजर रही है और एक के बाद फिर उसको फॉलो करते जा रहा है, तो वहाँ से 3-4 जगह और कट जा रहा है, तो किसी एक को ही ना हम लोग फॉलो कर सकते हैं। वो कहाँ तक जा रहा है, फिर कहीं से गुफा जा रहा है, तो बाकी सलमान भाई इन सारे चीज से बहुत पहले से परिचित है, पूरी अच्छी तरीके से आप घूमे हैं ये बताइए। हाँ, हम तो घूमे हैं लेकिन ज़्यादा हमको जानकारी है नहीं और हम उतना घूमे नहीं है, इतना मतलब सुने हैं कुछ कि ऐसा कुछ था और राजवाड़ा था और यहाँ क्या यहाँ पे ऐसा भी है कोई मतलब सोने चांदी का सामान कुछ मिला है? मिला था, एक औरत को मिला था कोरोना के चक्कर में और वो पकड़ी गई और देख सकते हैं, और बहुत ही पुलिस थाना में भी चला गया और देख सकते हैं। और हमारे अरशद देखे हैं और घूमे हैं और हमारे कैश भाई आए हैं स्पेशल इसी के लिए, घूमने के लिए। आपको क्या मजा आ रहा है कि नहीं देखने में? हाँ। ये माझी का जो आपके यहाँ कोई ऐसा चीज है जो दिखाने लायक हो, मिस्टीरियस चीज है? नहीं है तो आप देखिए यहाँ का, देखिए और आप ये वीडियो अपने यहाँ के लोगों को दिखाइएगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो माझी में छपरा जिला में है, तो लोग आएंगे और इसको देखेगा। तो देख सकते हैं और कांटे से हल गया है और आने में इसको प्रॉब्लम था। और अरशद भाई तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो कांटा वाटा भी हल जा रहा है, मेरे पैर में थोड़ा सा लगा था और सलमान भाई को थोड़ा सा क्रच गया था, तो पूछ रहा था कि क्या लग गया, कोई चीज काट लिया क्या, तो लेकिन नहीं, वो हम लोग देखे कि कांटा था। तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत सारा, अभी हम लोग जा रहे हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे, मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे जो हो सका मैं आपको दिखाया और आगे देखते हैं क्या है, मंदिर की तरफ चलते हैं, उधर देखें कि क्या है, क्या कैसा है और कुछ पूछताछ भी करेंगे और देखते हैं आगे। मज़ा जाने के लिए यहाँ से चलो अरशद, यहाँ से हम लोग चलते हैं। अरशद आ जा, देख सकते हैं अरशद हम और सलमान भाई से एक पूछना चाह रहे हैं। सलमान भाई, ये जो गढ़ है माझी में, इस गढ़ से हम लोगों को क्या फायदा है? बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि पानी इतना बढ़ता है हर जगह, आपको स्टेट में आपको वहां पर आपको डुबाव मिल जाएगा और पानी भर जाता है और जहां तहां घर डूब जाते हैं, लेकिन यहां पर एक बात है कि जितना भी पानी आए और वहां पे ही रुक जाता है। तो फ्रेंड इसका मतलब ये गढ़ एक अभी एक बांध की तरीके, माझी में एक बांध की तरीके काम करता है, ये माझी को डूबने से बचा देता है, क्योंकि आपको दिखा दिए लगभग 50 फीट हाइट है इसका और बहुत ही दूर तक ही फैला हुआ है, तो यहाँ के वाटर लेवल कितना भी बढ़े तो 50 फीट ऊपर से जाके ओवरफ्लो होके माझी में नहीं आ सकता है, बहुत जगह डूब सकते हैं लेकिन यहाँ पे कभी बाढ़ नहीं आ सकता है माझी में। ये हम लोग माझी गांव को मतलब सेफ्टी पर्पज से भी बहुत ही बेहतरीन चीज है फ्रेंड्स। तो फाइनली देख सकते हैं और यहाँ पे राजा महाराजा का बहुत ही सारे चीजें देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत पहले यहाँ पर दिक्कत हो चुका है और यहाँ पे उतना ऐसे है नहीं कि मैं आपको आगे में दिखाऊंगा, यहाँ से देखते देखते रास्ता। हम नदी किनारे पहुँच चुके हैं, यहाँ अरशद बना रहा है वीडियो, भाई देख सकते हैं यहाँ पर लग रहा हमको कि ये पहाड़ टाइप पे है और बहुत मज़ा आ रहा है और दिखाएंगे आपको आगे की तरफ कि कितना दूरी में फैला हुआ है और सब सारे 52 बीघे में है और यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे राजा महाराजा बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, बहुत शान शौकत था उनका। और मैं जा रहा हूँ आगे दिखाने के लिए आपको, ये देख सकते हैं आप बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जैसे हैं और यहाँ से आपको पानी कभी उधर नहीं जा सकता है क्योंकि ये ही बांध है जो आपको यहाँ से आपको जाने नहीं देगा पानी।
और मैं दिखा दूँ आपको, आगे देख सकते हैं आप, वहाँ से आ चुके हैं और यहाँ से हम लिख लेंगे और वहाँ दिखाएंगे आपको मंदिर की तरफ क्या है और क्या नज़ारा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, यहाँ पर बहुत सारे खेत हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। और हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, देखेंगे और क्या मज़ा है, क्या अच्छा लग रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, हरे भरे खेत हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे मंदिर की तरफ और मंदिर में आपको अंदर जा के दिखाऊँगा कि क्या है और कैसा है। पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कांटे हुए हैं, कांटा है बहुत सारे, बहुत देख सकते हैं सूचना है। और यहाँ आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रास्ता ही दिख नहीं रहा है, सब खाली जंगल झाड़ लोक रहे हैं। यहाँ से कैसे हम लोग जाएंगे रिजवान भाई, कैसे जाएंगे यहाँ से? और यहाँ देख सकते हैं आप बहुत, अब रास्ता तो है नहीं, देखते हैं। और हमको लग रहा है कि यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। और यहाँ पे सब, हाँ यार रास्ता तो मिल गया और रास्ते में हम लोग जा रहे हैं और देख सकते हैं छोटा मोटा रास्ता है, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ से हम लोग निकले और गिरने से बचे हम, और देखते हैं आगे कितना मज़ा आता है। और मैं आपको आगे और भी जानकारी कुछ दूंगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं रास्ते से निकलते हुए और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से आपको रास्ता मिल चुका है और हम लोग जाएंगे आगे की तरफ। गाइस यहाँ से अब हम लोग जाएंगे मंदिर की तरफ और मंदिर के अंदर देखते हैं क्या है और कैसा है और देखते हैं अंदर जाके और बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइस अभी हम तो गए नहीं आज तक और आज मैं जा रहा हूँ देखने के लिए कि अंदर क्या है। और सो फाइनली अभी हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ और गाइस का मन है जाने के लिए। सो गाइस तो गाइस मैं अभी चलते हैं और सर इधर आ जा और भाई चलने का ऊपर यार कुछ अरसद तो गया है अंदर की तरफ और इनका वीडियो देख सकते हैं उसमें आपको अंदर का भी दिखाया हुआ है लेकिन आज हम गए नहीं आज तक, लेकिन आज मैं जाऊंगा। आज सलमान भाई को भी लेके चलेंगे और यहाँ के बारे में सलमान भाई तो अच्छा से परिचित है, कुछ और अच्छा कुछ बातें जो घर से लेके आए हैं ये हम पूछेंगे इनसे बारे में। अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाता हूँ मैं और देखते हैं क्या है। और बहुत ऑडियंस लोगों से पूछ रहा है, अगर आप लोगों का कुछ सवाल है तो कमेंट जाने में कोई प्रॉब्लम। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ी के द्वारा यहाँ चलते हैं, मजा आ रहा है भाई, थके नहीं ना हो, पानी प्यास लग रहा है भाई बहुत हमको अभी, हमको तो प्यास लग चुका है पानी का। और आगे जाते हैं और यहाँ देख सकते हैं आप और हम लोग, ताला बंद है यार, कैसे यार अंदर जाएंगे हम लोग, वेट करते हैं अंकल जी आने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं आप अंदर तो है नहीं जाने वाला कोई, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं और बहुत छोटा ही मंदिर है लेकिन अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब पहाड़ी यहाँ से सब जुड़ी हुई है। और यहाँ से अब मैं दिखा दूँ आपको, दिख तो नहीं रहा है और आगे जाऊँगा तो मैं दिखाऊँगा आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ से सारे दिख रहे हैं, हम लोग बहुत घूम घुमा के गए हैं और चाहते तो इधर से ही आ जाते हम लोग लेकिन बहुत। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये इससे ज़्यादा कोई खोर नहीं सकता है और इतना ही आप खोर सकते हैं यहाँ से, एक हाथ जो इतना कूड़ा हुआ है। और यहाँ से आपको दिखा दूँ मैं और बहुत ही अच्छा है और देखते हैं अंदर खुलने का टाइमिंग कब है और हमारे बाबा जी कब आते हैं और अंदर का दिखाऊंगा मैं। अरशद भाई कब आएंगे, कितना वेट करना पड़ेगा भाई? बोले हैं आ रहे हैं तो समय तो लगभग हो ही गया है, हम लोग और 10-15 मिनट वेट कर लेते हैं यहाँ अच्छा से ठंडा में बैठे हुए आराम से। भाई प्यास लगा था यार, प्यास लगा है अरशद जो ना कराए भाई, अरशद को बोले गए भाई पानी पी के आते हैं हम लोग यार, तुम तो यार गजब हाल है, चलो आया जाए और पानी पी के हम लोग आते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। बहुत ही प्यास लग चुका है भाई, बहुत प्यास लगा है क्या? चलो ना तो यहाँ एक मंदिर है, मंदिर को भी थोड़ा सा दिखा दिया जाएगा, वहीं पानी पी लेते हैं चलो। फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ताला बंद है और मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोग अब जाएंगे घर की तरफ क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका है और बाबा जी अभी आएंगे नहीं, हमको लग रहा है कि भाई सुबह ही आते हैं और चल जाते हैं। और मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा यहाँ का आपको व्यू। और यह देख सकते हैं अरशद भाई यार Friends, नहीं आए आप बाबा जी, ये अभी बाबा थोड़ा सा बिजी होंगे आए नहीं, बीवी बंद है। और इसके अंदर के एक हम वीडियो बनाए हैं जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सलमान भाई डालेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में और दूसरे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि ये अंदर इसके क्या है और कैसा है।
सो फाइनली अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। ओके आज के लिए इतना ही। ओके फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय। ओके।